मुझे जेल जाने का डर नहीं है, मैं जेल जाने को भी तैयार हूँ कि मैं इनके बगैर नहीं जी सकती सर। बहुत मुश्किलों से मुझे मेरा प्यार मिला है, अगर मैं जिंदा हूँ तो इनके साथ रहूंगी, अगर मर गई तो फिर भले मुझे इनसे जुदा कर दिया जाए। पहले आप जेल में गई, अब अभी जमानत पर हैं, तो आपको कोई डर नहीं लग रहा है? यहाँ के सीएम योगी या फिर पीएम मोदी साहब क्या अनुरोध करेंगे? मुझे इन पे भरोसा है, वो हमारे प्यार को समझेंगे। डर तो है, ऐसा नहीं कि डर नहीं है, डर है। लेकिन हैदर बार बार कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी, वो कह रहे नहीं, मैं तुम प्यार करो ना करो, तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें मतलब वापस बुलाऊंगा, तुम हिंदू हिंदू नहीं हो, मैं कहता हूँ तुम हिंदू नहीं हो, मतलब वो कहते हैं मैं हिंदू नहीं हूँ, जो मैं मान चुकी हूँ, हर रस्म हर चीज़ कर चुकी हूँ, वो उसको मानने को तैयार नहीं है सर, वो बिल्कुल भी इस बात को मानने को तैयार नहीं, वो जानबूझ के कर रहे हैं, वो लग रहे हैं कि उनको जलन हो रही थी, क्योंकि ये मुझे संदूर भर रहे हैं और इस तरह की वो लाइव में चला रहे थे फोटो वीडियो इंस्टाग्राम मेरी आईडी की, तो इन बात से उनको थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में हैं, तो मतलब वो खुद सऊदी में बैठे हैं, मुझे पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे थे और इनसे अलग रहने की बात कर रहे थे। मेरा भी प्यार है और अगर मैं अब वापस चली गई तो ये बहुत मतलब अनर्थ होगा, नाइंसाफ़ी होगी, तो मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं यहीं इनके साथ रहना चाहती हूँ। पाकिस्तान जाने से आप क्यों डर रही हैं? पहले तो मैं इनसे जुदा होने से डर रही हूँ, इनसे जुदा होने से डर रही हूँ, मर जाना एक दिन सबको है, मुझे ज़्यादा मार देंगे उस बात से नहीं, मुझे सचिन से जुदा होने से डर है, अगर वहाँ जाके मरूंगी इससे अच्छा मैं यहीं मर जाऊँगी, क्योंकि मैं इनके बगैर नहीं जी सकती सर। बहुत मुश्किलों से मुझे मेरा प्यार मिला है। आप चार बच्चों परिवार को भी लेकर आए हैं, सचिन आप सभी को एक्सेप्ट करेंगे? जी मैंने कर चुका हूँ, करेंगे क्या, कर चुका हूँ इन सबको, आएगा हम सब, और घर वाले भी कर चुके हैं, घर वाले कर चुके हैं। आप लोग खुश हैं कि पाकिस्तान से एक बहुरानी आई है? बहुत खुश हैं सर। इस तरीके से आप लोग की पहली मुलाकात कब हुई थी बताइए, कैसे हुई थी? मुलाकात हमारी मार्च में हुई थी नेपाल में, हम पहले मिले थे, जो मुलाकात मीट हुई थी हमारी 10 मार्च को मैं नेपाल आई थी, तब हमारी पहली मुलाकात थी वो, और तभी हमारी शादी भी हो गई, और रही बात दूसरी दोबारा शादी करने की, तो अब यहाँ पे हम करेंगे। आपने शादी कहाँ पर की? खटमंडू में, वहीं पे हाँ, पशुपतिनाथ मंदिर है, वो बहुत अच्छा मंदिर है, मैं उनकी, मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ, हम दोनों गए थे, एक और भी थे साथ में ड्राइवर, तो हम तीनों गए थे। हैदर को फिर क्यों छोड़ा आपने वहाँ पर, तो शादी की? हैदर बहुत बुरे थे, हैदर इतने अच्छे नहीं है जितना अच्छे बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। है जब मैं यहाँ आ गई पहली बात, इतने 3 महीने से मैं यहाँ हूँ, तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं गए मुझे ढूंढने के लिए, वो पाकिस्तान क्यों नहीं गए मुझे ढूंढने के लिए जब मैं यहाँ आ गई हूँ, जब मैं मीडिया में वायरल हो रही हूँ कि हिंदू बन गई हूँ, इनसे शादी कर ली है, तभी इनको इतनी दिक्कत क्यों होने लगी है? पहले कहाँ मर गए थे वो, पहले क्यों नहीं आए मेरे पास, या क्यों नहीं करा कोशिश उसने? अब क्या सचिन के बारे में कह रहे हैं 13,000 कमाते हैं, जब खुद सऊदी अरब से पाकिस्तान, सारी ज़िंदगी सऊदी अरब नहीं रहते, जब खुद सऊदी अरब से पाकिस्तान आते तो क्या काम करते? एजुकेशन तो है ना, कोई ऐसी बिजनेस भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, अपना घर तक नहीं है, वो छोटा सा घर भी मैंने लिया था जोड़ जोड़ के, इन्होंने नहीं लिया, तो घर तक नहीं है इनके पास, तो ये क्या फ्यूचर देंगे मेरे बच्चों को, जो सचिन के बारे में कह रहे हैं कि 13,000 कमाते हैं, यहाँ के 13,000 वहाँ के मतलब 3 गुना हो गए, वहाँ पे ये 500-800 रुपए की डेली मजदूरी करते हैं, वहाँ का 1,000 रुपये डेली का खर्चा होता है, क्योंकि इतनी महंगाई चल रही है पाकिस्तान में, ये कैसे रख लेते? पाकिस्तान हिंदुस्तान के में क्या अंतर दिख रहा है? और यहाँ हर चीज़ सही है, वहाँ बहुत महंगाई है हमारे पाकिस्तान में, मतलब जी सर। एक और अंतिम सवाल करेंगे मैम, आप जब यहाँ पर हिंदुस्तान आई तो पहली बार आपने पबजी पर आप लोगों दोनों ने मिला, उसके बाद जब पहली बार आप कहाँ मिले, नेपाल में? जी हाँ, तो नेपाल में जब पहला रिएक्शन हुआ तो कैसे पहचाने आप लोग, फिर कैसी बातचीत हुई? इन्होंने तो पहचाना, इन्होंने था, मुझे मास्क लगा हुआ था, रेड सूट पहना हुआ था, वीडियो कॉल पे वैसे मेरी बात हो रही थी, इंस्टाग्राम पर हमारी सब वीडियो पड़ी है, वीडियो पड़ी है हाँ। तो मतलब पहली बार आप देखे तो क्या किया, मतलब रिएक्शन कैसा रहा? बहुत खुश था। इसकी पता नहीं, तू बता। मैं नर्वस हो रही थी, इतना पतला कैसे है, ये सूखा सा था मेरे आगे कुछ भी नहीं, अभी तो मैं पतली हो गई हूँ, मैं और मोटी थी। खुशी के इजहार में आपने क्या कहा था? मैंने इनको ऐसे करा था, तुम मेरे सामने हो आज, सच में यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरे सामने हैं, क्योंकि 2-3 साल सिर्फ वीडियो कॉल पे रहे, जब सामने की फीलिंग थी वो बहुत अलग थी, बहुत बेचैनी, बहुत खुशी भी हो रही थी, मतलब हंसी तो रुक ना रही थी हम दोनों की, कि इतना खुश थे हम दोनों। अच्छा, आपको डर नहीं लगा मैम, जिस तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते हैं, राजनीतिक रिश्ते हैं, उससे आपको थोड़ा सा भी डर नहीं लगा कि आप इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से सरहद को पार कर गए? नहीं लगा था, क्योंकि मुझे दोस्तों ने कहा था यार जा रही तो मैं ये बेच ना दें या 4 आदमी लेकर ना आए, 2-3 लड़कियों को पता था मेरे दोस्तों को, तो मैंने कहा नहीं, मुझे इन पे भरोसा था बहुत ज़्यादा।
हिंदुस्तानियों का आप क्या कहेंगे हिंदुस्तान की जनता को? प्लीज सपोर्ट करें हमारी मोहब्बत को।